मुझे लगा आप फटाफट बोलेगी इसीलिए मैं फटफट बोलने लगी तो नहीं बना था ना तुमको उतना अभी मतलब नहीं होता है। गाइस अब्बा ने पहले ब्लॉग स्टार्ट किए आधा बोले कि मैं क्या करूं फिर उन्होंने बंद की बोले मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं क्योंकि उनकी व्लॉगिंग की आदत एकदम छूट गई है गाइस सब मेरे ऊपर छोड़ दिए पूरा। तो अच्छी बात है ना एक प्लेटफॉर्म बना के दिया हूं तेरे को अच्छे से करने का ना उसमें और क्या है। बट अभी लोगों का चार चार साल पांच पांच साल मेहनत लगती है करने में तो इतना जल्दी बना के दे दे खाली वीडियो डालना है बना के सोचने का कंटेंट बनाने के लिए डालने का और क्या है कि नहीं गाइस इंशाल्लाह। और एक एक कमेंट आया था मुस्कान वो कोल्हापुर मुंबई ऐसा कुछ नाम लेने बोला था तो मैं वो नाम उनका लेना भूल गया था तो गाइस वो शायद हमारे वो सब्सक्राइबर वो हमसे नाराज हो गए थे तो गाइस वापस से कमेंट करना मैं आपका नाम जरूर लूंगा ब्लॉग में। हाँ वो क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बोलना है तो इसलिए नहीं लिया और दूसरी बात मेरे माइंड से निकल भी गया था तो मैंने नाम नहीं लिया तो उन्होंने भाई ने दूसरी बार में कमेंट किए भाई आप बहुत घमंडी हो आपको नाम लेने बोला था मेरा नाम आपने नहीं लिया। नहीं गाइस हम ऐसे कुछ नहीं क्या है घमंड करने के लिए यार जो हम आपसे घमंड करेंगे यार क्या है अपने पास कुछ नहीं है भाई बस थोड़ा बहुत जो आप लोग प्यार देते हो बस वही है अपने पास और उसके अलावा और कुछ नहीं है भाई जो हम घमंड करें तो ऐसा मत सोचो कि हम लोग को कुछ ऐसा घमंड नहीं भाई हम लोग तो कितने लोगों का नाम लेते हैं कितने लोगों का चैनल बताते हैं कितने जन का हम लोग एडिट करना सिखा देते हैं भाई हम लोग सब करके देते हैं। वो नाम भी उनकी टाइपिंग मेरे ख्याल से मैंने पढ़ी थी बट टाइपिंग भी उनकी समझ में नहीं आ रही थी समझ में नहीं आ टाइपिंग गलत हो रही थी बहुत कोल्हापुर मुंबई ऐसा कुछ था तो गाइस भाई आप जो भी हो वापस से कमेंट करना भाई अपना नाम प्रॉपर बताना तो जरूर आपका मैं नाम लूंगा अच्छे से लूंगा भाई बड़ा लंबा चौड़ा नाम लेके बताऊंगा मैं आपको लेकिन कमेंट करके जरूर वापस से बताओ नाराज मत हो गए आप लोग नाराज होंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे बस बस इतना साइन तो आज हो। क्या बनने जा रहा है तो अभी तो बज रहे गाइस शाम के 7:30 और अभी अब्बा तो बाहर चले जाएंगे अभी इतना दिग्गज के बाद आप लोग को पूरा एंडिंग तक नहीं दिखेंगे तो देख लो उनको वो शॉर्ट पे देखने मिलता है आप लोग को। तो अभी अम्मी गए आज हम लोग नाश्ते में मतलब बोले कि हम लोग ने चाय वगैरह पी ली है तो हम लोग बोले कि आज हम लोग को खाने का फ्रेंच फ्राइज तो अम्मी बोले चलो ठीक है फ्रेंच फ्राइज खाइए आज। हाँ तो घर में बनाए गए वो हम लोगों के लिए तो गए वही बटाटा वगैरह सामान लाने के लिए सो अम्मी आएंगे तो हम लोग फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी भी मतलब आप लोग को बता देंगे आती होगी आप लोगों को एक्चुअली खाने का है खाने का इसलिए मैंने बोला चलो ब्लॉग बना लें घर में बना के खाएंगे तो बहुत अच्छी बात है घर में बना के खाएंगे तो और अच्छी बात है। यस और गाइस यहां पे मैं जा रही हूं बटाटा छीलने फ्रेंच फ्राइज के लिए दो बटाटे देखो कितने बड़े बड़े बटाटे एकदम से एंड मैं वहाँ पर अभी बना रही भुर्जी क्योंकि मैंने दोपहर में बनाई थी दाल चावल बनाई थी तो दाल चावल रखा हुआ है तो हमें बोले थोड़ी सी भुर्जी बना लेती हूँ तो वो भुर्जी बना रही जब तक का मैं आलू को छील के काट लेती हूँ पर अभी बज रहे 8:30 देखते अब कब बनेगा सुहान तो इंतज़ार करते करते चला गया बोले कि का जल्दी कब बनेगा तो उसको हमें भेज दी बोले जा मैं तेरे को फ़ोन करती हूँ फ़ोन लेके गया अम्मी वाह मुझे पता था वो बिना फ़ोन के जाने वाला नहीं है तो चलो मैं इसको पहले अच्छे से काट के ले गाइस यहाँ पे मेरी अम्मी भी आ गए अम्मी ए गाइस अस्सलाम वालेकुम कैसे आप लोग तो वेलकम हो गए सजा फैमिली ब्लॉग में तो देखिए गाइस मैं क्या कर रही हूँ सो आलू आलू छील ली है अभी जा रहे अम्मी इसको काटने के लिए फ्रेंच फ्राइज आज मेरे बच्चे लोग का क्या दिल कर रहा था खाने का फ्रेंच फ्राइज वो अम्मी को नाम लेने दिया था ना तो वही तो मैं सोची ये लोग बाहर से इसके अब्बा को बोलते हम लोग को बाहर से मंगाते तो मैं बोली कि मैं घर में ही बना देती हूँ दो आलू जाके बड़े बड़े लेके क्योंकि आलू मिल नहीं रहे थे बड़े बड़े थे उसके लिए आलू तो मैं जाके फिर लेकर आई। और गाइस ये दो आलू भी इतने से दिखेंगे ना बनने के बाद ऐसा लगेगा है ही नहीं ऐसे मतलब कहाँ पेट में चला जाता है कुछ पता ही नहीं चलता सा बन जाता है और अभी दिखने में आलू इतने बड़े बड़े पर जब बनते तो अम्मी कितना छोटा लगता है ना। देखिए गाइस मैंने ऐसा काटी उसको हाँ अब इसको पतला पतला अम्मी काटेंगे और यहाँ पे इन लोग आए हैं इसकी फुप्पू को सब हाँ हम हाँ हाँ बस 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 चिकन बिरयानी बेच रहे क्या तुम लोग है ना। और गाइस इन लोग इसके फुफ्फू का से मार खा के आए वहाँ नीचे खाला के घर पे मार खाते तो उधर तुड़ 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 सीढ़ी भाग के आते हैं फिर वहाँ यहाँ से सीढ़ी डाटी खा के जाते तो नीचे उतरते क्या कर रहे तुम लोग क्या हो गया क्या हो गया
खत्म हो गए लोग, बाहर आ गए तुम लोग। इसको काट रही हूँ लंबा लंबा ऐसा, कैसा लंबा लंबा काटना, पतले पतले ही। अगर आप लोगों को थोड़ा सा लाइक मोटा साइज चाहिए तो वैसे भी काट सकते हैं ना मम्मी, बट फ्रेंच फ्राइज तो पतले ही रहते, दुबले पतले रहते। मैंने ना इस तरीके से काट लिया है ना, क्योंकि घर में तो ऐसे ही कटने वाले है ना, जब हम जहाँ काटे तो काटने की मशीन होती है, फटाफट अच्छे से कर जाते हैं। और वो लोगों के आलू भी अच्छे बड़े बड़े रहते हैं मम्मी, तो ना फ्रेंच फ्राइज अच्छे बड़े भी लगते हैं। और अपन तलते पता नहीं क्यों छोटे हो जाते, अम्मी ने इससे पहले भी तले थे वो, पता नहीं मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता है। दिखने में अभी ये पूरा इतना भर के लगेगा, जब तलेंगे तो कुछ भी नहीं दिखता है। हाँ। ऐसा लगता है कि बच्चे लोग के पेट में जा रहा, मेरे को तो मन ही नहीं भरता है खाके, कितना भी खा लो दिल नहीं भरता है। हाँ, और अपन मैकडोनल्ड्स में या कहीं भी जब बाहर खाते हैं तो वहाँ का बस हो जाता है, वहाँ का तो नहीं बस अब नहीं खाया जाएगा। और जब घर में बनता है तो ऐसा लगता है खत्म हो गया, ऐसा हो जाता है ना। को जाता है मेरे सुहान को, मुस्कान को, सब चीजें बहुत बहुत यस। हाँ, तुझे भी पसंद। मेरे में ऐसा ना बना के देते, मेरे में इतना इतना पतला बनाती है। हाँ, मेरे में इतनी छोटी सी बनाती है। अच्छा ठीक है, तुम लोग गाइस मैंने अच्छे से इसको मस्त में काट ली हूँ, आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह कितने अच्छे से मैंने काटी हूँ ना लंबे लंबे। तो आप लोग भी जब बनाना रहेगा ना तो आप लोग भी एकदम बड़े बड़े आलू लेना, तो क्या बड़े बड़े आलू से अच्छे बड़े बड़े कटिंग होते हैं, तो अच्छा लगता है ऐसा कटिंग काटने से। आप लोग देख सकते हैं मस्त कितने सारे, मतलब हो गए। अब इसको तलूंगी तो एकदम छोटू से हो जाएंगे, से हो जाएंगे। पहला भी आप लोग इसको, मैं इसको धो लेती हूँ और एक कॉटन का कपड़ा अच्छा साफ कपड़ा लेके इसको पोंछ लेना है। हाँ। इसको ना पहले मैं इसको धो पानी से अच्छे से धो के ले ली हूँ, और एक कॉटन का सूखा कपड़ा लेना है, उसको पोंछ पोंछ के निकाल लेना है। इसका जो पानी रहता है ना उसका पूरा पानी निकलना चाहिए, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो जब हम फ्राई करेंगे ना तो एकदम तेल के छींटे छींटे आग पे उड़ जाएगा। तो उसको अच्छे से पोंछ के सूखे कपड़े से, या तो टिश्यू पेपर कुछ भी रहता है उससे भी आप पोंछ सकते हैं। तो मैं इससे सारे पोंछ के ले लेती हूँ अच्छे से, है ना। सूखा इसको अच्छे से पोंछ के ले ली हूँ। तेल भी मैंने गर्म करने रखी थी, तो मैंने एक डाल के देखी तो माशाल्लाह तेल गर्म हो गया था, तो अब इसको हम आराम आराम से डाल देंगे। ये पाव किलो तेल डाली मैंने, हाँ इसमें बहुत तेल जाता है, तेल लगेगा। इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा करके तलेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसको फ्राई करेंगे आराम आराम से। डाल दिए उसको आराम आराम से, उसको फ्राई कर लेंगे, है ना। एकदम हल्के हाथ से गए, एकदम हल्का तेल उछलने का बहुत डर रहता है। हाँ, इसको हम फ्राई करेंगे। चलो चले फिर उसको फ्राई करने के बाद मिलेंगे। वहाँ पर हमारे फ्रेंच फ्राइज एकदम अच्छे से लाल हो चुके हैं, सब इसको हम निकाल लेते हैं। हाँ एंड गाइज, ये फ्रेंच फ्राइज एकदम सादे वाले हैं। अगर आप लोगों को जो क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज होते हैं या जो मसालेदार होते हैं, तो अगर आप लोगों को मतलब वैसे चाहिए तो आप लोग फ्रेंच फ्राइज में ऐड कर सकते हैं मसाले, है ना मम्मी। हाँ, अभी तो इसमें थोड़ा सा मैं नमक वमक भी ऐड करूँ, अभी नहीं वो हम लोग ऊपर से करेंगे। तो अगर आप लोगों को मसाले वाले चाहिए तो आप लोग मसाले भी उसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे हल्दी मिर्ची की बुक्की वगैरह सब ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये हम लोगों ने सादे फ्राइज किए हुए एकदम, और ये ऐसे खाने के लिए। हाँ, इसका कलर देखिए आप लोग, माशाल्लाह बहुत अच्छा। अभी सब निकाल लो, सब निकाल लेती पहले, जब तक अम्मी पूरा फ्राई करके ले लेंगे। तो गाइस हमारे फ्रेंच फ्राइज हो गए तैयार, है ना अम्मी। हाँ देखिए माशाल्लाह मैंने इस पर फ्राई करके ले ली हूँ। अब इसमें कुछ मेरे मसाले डाल दूंगी, थोड़ी सी मैंने मिर्ची पाउडर ली हूँ, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, क्योंकि फिक्का है ना तो हम उसको चटपटा कर देंगे, तो हम उसको मिक्स कर लेंगे ऊपर से अच्छे से एकदम। और यहाँ पे थोड़ा सा कटोरी में सॉस भी निकाले, थोड़ा चटपटा हो जाएगा नमक डालने से, ये चाट मसाला, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मस्त मज़ा आ जाएगी। तो ये बच्चे लोग बड़े ही शौक से खा लेते हैं, क्या नहीं, घर में बच्चे लोग को बना के दे दो तो बच्चे लोग बहुत शौक से ये घर ही में खा लेते हैं। हाँ, और देखो गाइस कितना सा हो गया, दिखाओ मम्मी अच्छे से, देखो गाइस कितना सा हो गया, था कितना सारा और अब हो कितना सा गया। देखिए था कम, मतलब बटाटे बड़े बड़े थे, फिर कितने सारे थे, तलने के बाद एकदम वो हो जाता है वो। तो चल मुस्कान खा ले। यस, सुबह ट्राई करते, वो तो बाहर है, फोन भी नहीं, फोन स्विच ऑफ करके रखा हुआ है मम्मी का, तो है ही नहीं। तो चलेगा इस एक ट्राई करो, तुम खाओ मैं खाऊँ। हाँ तुम ट्राई करो, मेरे केचप भी ला के रखी। हाउ इज इट, नाइस, नाइस। एक मैं ट्राई करती हूँ, दे दो मुझे भी। गरम गरम खाने में बात मजा आती है, ठंडी में तो और मज़ा आता है खाने में। इसमें मिर्ची पाउडर और जो चाट मसाला मैंने डाल दिया ना, खत्म, बात ही खत्म हो जाती है। इसमें टेस्ट
और अच्छा गया। यस, तो चलिए गाइस हम खा लेते हैं। सो गाइस हमारा फ्रेंच फ्राइज वगैरह सब खा के हो गया एंड माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था। और आज हमारे खाने में मैंने आप लोगों को बताई थी जैसे कि दाल चावल और भुर्जी बनी है। सो बस इसी के साथ आज का छोटा सा व्लॉग यहीं पे एंड करते। कैसा लगा कॉमेंट में बताना, लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब करना और बेल घंटी बटन दबाना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे वापस एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, लव यू ऑल। एंड गाइज मुझे आप लोगों को, हाँ मुझे कुछ बताना था। सो मुझे बताना था कि मैं आप लोगों को मेरा स्किन केयर ब्लॉग दूँ या नहीं दूँ। सो आप लोग उसके लिए कमेंट करना कि मतलब लाइक मैं मेरे स्किन पे मतलब कैसे अपने स्किन का ध्यान रखती हूँ या मैं क्या करती हूँ। आप लोग मुझे बोलना आपको उसका ब्लॉग चाहिए क्या। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर उसका ब्लॉग दूँगी। अल्लाह हाफिज़। You look in